ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक्सेल में पिवट टेबल है तो पिवट टेबल कैसे यूज़ करना है। ठीक है, पिवट टेबल क्या है, उसका यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक्सेल शीट खोल लिया है और यहाँ पे मैंने कुछ पहले से ही डाटा इंपोर्ट करके रखा है। ओके, तो पिवट टेबल क्या है, एक्चुअली ये एक्सेल में एक पावरफुल टूल है जिसके मदद से हम लोग डेटा को क्विकली समराइज कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, डाटा के ऊपर अलग अलग तरह का हम लोग कैलकुलेशन अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई एक्सेल में डाटा होता है, समझ लो हमारे पास यहाँ पे ये सारा बहुत सारा डाटा है, तो इन डाटा को इनमें से अगर मुझे समझ लो कि कंट्री वाइज या तो सिटी वाइज या तो जो भी यहाँ पे जैसे स्टेट सिटी, तो स्टेट वाइज सिटी वाइज मेरा कितना अमाउंट हुआ, टोटल कितना हुआ, एवरेज कितना हुआ, साम कितना हुआ, ये सब चीज़ें हम लोग नॉर्मली इसे तो फंक्शन की मदद से कर सकते हैं। ये तो पता है, मैंने पहले पहले सिखाया था फंक्शन, ठीक है, फॉर्मूलाज की मदद से, फंक्शंस की मदद से कैसे करना है, तो उसमें मैन्युअली करना पड़ता है। लेकिन पिवट टेबल एक इस तरह का टूल है जो कि उसमें ऑलरेडी ये सब तुम्हारा इनबिल्ट है, मतलब तुमको फंक्शन, तुमको वहाँ पे फॉर्मूला तुमको मैन्युअली वहाँ पे बनाना नहीं है। वहाँ पे क्या है कि बस तुम पिवट टेबल को यूज करो, वो एक वहाँ पे कुछ मतलब फीचर्स है जिसकी मदद से हम लोग इजीली क्विकली सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करते ही हम लोग इन फीचर्स का फायदा ले सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे तो ये हो गया पिवट टेबल। ठीक है, तो अभी प्रैक्टिकली करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो पिवट टेबल के अप्लाई करने के लिए मैंने पहले से ही कुछ यहाँ पे डाटा इंपोर्ट करके रखा है पहले मेरा एक्सेल शीट में। तुम भी इस तरह से कुछ रेडीमेड डाटा इंपोर्ट करके रख देना, नहीं तो मेरे से ले लेना डाटा उसको प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा, कुछ दो तीन बेसिक बातें मैं पहले बोल दूँ पिवट टेबल को अप्लाई करने से पहले। तो पिवट टेबल क्या समझ में आ रहा है ना, इसे एक पावरफुल टूल है। मैं अगर तुमको यहाँ पे दिखा दूँ, अगर हम लोग नॉर्मली इसे सर्च करें, मैं यहाँ पे आके व्हाट इज पिवट टेबल, अगर तुम यहाँ पे आके देखो पिवट टेबल व्हाट इज, ये आ गया यहाँ पे पिवट टेबल। ठीक है, अच्छा ये देखो यहाँ पे मैं कहीं पे जाके तुमको दिखा दूँ पिवट टेबल क्या है। तो ये देखो पिवट टेबल क्या है, एक तरह का एक टूल है जो कि दैट समराइजेस रिकॉग्नाइजेस सिलेक्टेड कॉलम्स रोज ऑफ डाटा, ये सब क्या आ गया, इसको मैं क्लोज करता हूँ। जो भी हो इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, ये सब अभी समझ में आएगा नहीं, हम लोग जब प्रैक्टिकली करेंगे तब समझ में आएगा। ओके, प्रैक्टिकली करेंगे इसको हम लोग तब समझ में आ जाएगा। तो मैं ये देखो, ए पिवट टेबल इज यूज्ड टू समराइज सॉर्ट रिकॉग्नाइज ग्रुप काउंट टोटल एवरेज, ऑलमोस्ट सभी चीज़ यहाँ पे हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारा काम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं बिना कोई मैन्युअली फॉर्मूला टाइप या तो फंक्शन टाइप करते हुए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अभी प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करके समझते हैं इसको हम लोग। अच्छा, तो ये जो है इसको ये थोड़ा इसको मैं साइड कर लो। तो यहाँ पे तो मैंने ये पहले से यहाँ पे मेरे पास कुछ डाटा है। ठीक है, यहाँ पे 100 नंबर ऑफ, यहाँ पे कितना रोज है मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे टोटल 100 रोज है आई थिंक। हाँ टोटल 100 रोज है, मतलब मेरा 100 रोज का डाटा है ये, जहाँ की कंट्री स्टेट वाइज सिटी वाइज कितना क्वांटिटी और कितना अमाउंट हुआ, ठीक है, रीजन वाइज सब कुछ दिया हुआ है, मंथ वाइज ब्रांड का, मतलब ये सेल हुआ था, मतलब अमाउंट मतलब ये, मतलब कि ये एक सेकेंड, तो मतलब कि ये तुम्हारा सिटी वाइज स्टेट वाइज कितना सेल हुआ, कितना क्वांटिटी का सेल हुआ और उसमें कितना अमाउंट हुआ, ये सब चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग इसको पिवट टेबल को समझ लो, मुझे पता अभी मुझे जानना है कि यहाँ पे समझ लो कि अभी देखो बिहार, तो समझ लो ये बिहार स्टेट है, तो बिहार स्टेट में टोटल बिहार स्टेट में तुम्हारा टोटल कितना सेल हुआ, बिहार तो यहाँ पे भी दिखा रहा है अप्रैल महीने में। ठीक है, तो अप्रैल महीने में बिहार में अलग अलग बिहार का अलग अलग सिटी की सब दिया हो रहा है ना, तो एज ए होल टोटल बिहार स्टेट में कितना सेल हुआ मुझे पता करना है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे फंक्शन लगाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए मुझे फंक्शन लगा के इसका टोटल साम निकालना होगा, तो ये एक बात हो गया। तो स्टेट वाइज या तो तुम्हारा सिटी वाइज, तो ये भी सेम, ये दोनों सेम सिटी है, तो दोनों सिटी में टोटल कितना हुआ। ठीक है, तो सिटी वाइज स्टेट वाइज रीजन वाइज समझ लो, रीजन अभी इस बिहार, बिहार कौन सा रीजन में आ रहा है, ईस्ट रीजन में आ रहा है, झारखंड भी ईस्ट रीजन में आ रहा है, तो टोटल रीजन वाइज टोटल ईस्ट रीजन में कितना सेल हुआ, ये सभी चीजें मुझे समराइज करना है। तो ये कामों को हम लोग पिवट टेबल की मदद से आराम से बिना कोई फॉर्मूला टाइप करते हुए इजीली कर सकते हैं, एक पावरफुल टूल है। ठीक है, मैं करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद समझ में आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हो गया पिवट टेबल को इम्प्लीमेंट करने से पहले, कुछ बातें तुमको पहले जानना होगा। सबसे पहला यहाँ पे जो भी ये कॉलम्स है, ये जो कॉलम्स है ना, इन कॉलम्स को तुम कभी भी
मर्ज मत करना, क्योंकि पिवट टेबल जो है वो मर्ज कॉलम के ऊपर काम नहीं करता है। ओके जैसे समझ लो ये एक कॉलम हो गया, ये कॉलम, अगर मैंने समझ लो इन दोनों कॉलम को अगर मर्ज कर दिया तो पिवट टेबल उसके ऊपर काम नहीं करेगा। मतलब पिवट टेबल जो है वो मर्ज कॉलम के ऊपर काम नहीं करता है, ये बात ध्यान रखना। अगर तुम्हारे पास यहाँ पे कहीं भी मर्ज कॉलम है तो उसको तुम पिवट टेबल में बनाने में उस मर्ज कॉलम को सिलेक्ट मत करना, ठीक है। मर्ज कॉलम समझ में आ रहा है ना, जैसे तुमने दो कॉलम ले लिया इस तरह से और इन दोनों कॉलम को तुमने क्या कर लिया, समझ लो मंथ एंड इसको तुमने ये दोनों कॉलम को मर्ज कर दिया, सिंगल कॉलम बना दिया, तो वो नहीं होगा पिवट टेबल में, वो अप्लाई नहीं है। अच्छा तो ये हो गया बात। एंड अच्छा नेक्स्ट, अभी तो ये तो समझ में आ चुका है, अभी हम लोग इस पिवट टेबल को इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो पिवट टेबल के मैंने ये डाटा ले लिया, सबसे पहले तुमको तुम्हारा जितना भी डाटा हो सकता है कि तुम्हारे पास हजारों लाइन्स हो, फिलहाल मैंने 100 ले लिया, ठीक है। तो जितना भी डाटा हो उसके ऊपर तुम अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मेरा जितना भी डाटा है इन सभी डाटा को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मुझे डाटा को सिलेक्ट करने के लिए मेरा जितना भी डाटा है, तुम चाहे तो पूरा सिलेक्ट कर लो या तो इसमें से किसी सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ डाटा को सिलेक्ट कर लो, मैं तो चाहता हूँ कि फिलहाल पूरा ही मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ। तो मैं यहाँ से आके नीचे आ रहा हूँ मैं, तो मेरे पास 100 रो तक है, तो मैं इन पूरा सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इधर से मेरा यहाँ तक है, जहाँ तक तुम्हारा डाटा है वहाँ तक ही सिलेक्ट करो, बाकी तुमको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं। तो मैंने यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको कॉपी कर लिया, ओके, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी कर लिया। अच्छा अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे पिवट टेबल इम्प्लीमेंट करना है। तो पहला तो काम ये हो गया, ध्यान रखना पहला काम है तुम्हारा डाटा को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जहाँ तक तुम्हारा डाटा है, जिन डाटास के ऊपर तुमको पिवट टेबल अप्लाई करना है उन्हीं डाटा को तुम सिलेक्ट कर लो, हो गया, अलॉन्ग विद द कॉलम हेडिंग ऑल्सो, कॉलम हेडिंग के साथ भी। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, अभी हमको जाना है यहाँ पे इंसर्ट पे जाना है, ठीक है, इंसर्ट पे जाना है। तो इंसर्ट पे आने के बाद यहाँ पे तुमको ये देखो एक ऑप्शन मिल रहा है पिवट टेबल। अभी थोड़ा मैं पुराना वर्जन यूज कर रहा हूँ, अगर तुम नया वर्जन यूज करोगे तो यहाँ पे और भी ऑप्शन आएगा, जैसे पिवट टेबल रिकमेंडेड भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ ये फिलहाल राइट नाउ, अभी मैं बाद में नया वर्जन में भी दिखा दूंगा। तो अभी आज हम लोग जस्ट पिवट टेबल ये जो है इसका ही बात डिस्कस करेंगे, बाकी जो नया वर्जन वाला है उसमें बाद में डिस्कस करूंगा मैं। तो ये हो गया पिवट टेबल, ठीक है। तो इंसर्ट में आना है और यहाँ पे तुमको ऑप्शन मिलेगा किसका, पिवट टेबल का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इस पिवट टेबल को क्लिक करना है, ठीक है। तो इसको क्लिक करते ही तुम्हारे पास इस तरह से एक विंडो ओपन होगा और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि चूज द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज, क्योंकि पिवट टेबल का काम ही एनालाइज करना, तो वो कौन सा डेटा के ऊपर तुमको एनालाइज करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है सिलेक्ट ए टेबल और रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेटा का जो जो सिलेक्टेड डेटा है उसने मैंने पहले क्या किया था, इसको सिलेक्ट किया था ना, यहाँ से लेके वो आखिर तक उसको सिलेक्ट किया था। तो जब मैंने पिवट टेबल ऑप्शन को इनाबल किया, करते ही उसने वो जो रेंज है उस रेंज को उसने यहाँ पे अपने आप से सेट कर दिया, देख सकते हो यहाँ पे उसने अपने आप से इस रेंज को यहाँ पे सेट कर दिया। मतलब ये शीट टू का है, ये लिखा हुआ है शीट टू, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा ये क्या है A1 से लेके, मतलब ये A1, ठीक है ना, ये A1 है और कहाँ तक जा रहा है ये तुम्हारा H100। तो तुम्हारा जो एकदम लास्ट का है वो हो गया H100, ये हो गया तुम्हारा H वाला कॉलम और ये 100, तो मतलब यहाँ तक A1 से लेके एकदम टॉप, तुम्हारा टॉप लेफ्ट से लेके बॉटम राइट तक कॉर्नर तक पूरा का पूरा डाटा उसने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, जो मैंने सिलेक्ट किया था उसी को उसने ले लिया, उठा लिया। अच्छा तुम चाहे तो तुम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स, तुम चाहे तो कहीं दूसरा जगह से भी डेटा को तुम सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल हम लोग एक्सटर्नल में नहीं, हम लोग यहाँ से ही अपना टेबल से जो अभी फिलहाल मेरे यहाँ पे जो डेटा का टेबल है उसी से हम लोग उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला ऑप्शन, अभी अगला ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे हम लोग अगला ऑप्शन क्या है कि चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, मतलब क्योंकि इसका तो काम हो एनालाइज करना, तो अभी एक रिपोर्ट बनाएगा और ये रिपोर्ट जो है वो तुमको कहाँ पे दिखना है। तुमको अभी बोल रहा है कि दो ऑप्शन है रिपोर्ट दिखने के लिए, तुम या तो एक न्यू वर्कशीट पे चले जाओ या तो किसी एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे चले जाओ। अगर तुम तुम्हारे पास अगर समझ लो बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, तुम्हारे पास अगर बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है तो तुम कहाँ पे जा सकते हो, न्यू वर्कशीट पे जा सकते हो। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डाटा है तो सेम एक्सेल वर्कशीट पे काम करना थोड़ा दिक्कत हो सकता है कि बार बार तुमको स्क्रीन को घुमाए इसको मतलब ये जो स्क्रॉल बार को घुमाते हुए इधर उधर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ह्यूज अमाउंट डाटा है ना। तो ये इट्स अप टू यू, बट तुम सेम एक्सेल शीट में भी कर सकते हो। तो मैं जस्ट रिकमेंड करूंगा अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा डाटा है तो यू कैन गो फॉर न्यू वर्कशीट।
और अगर पास तुम्हारा इतना ज्यादा डाटा नहीं है तो तुम उसको सेम एक्सेल वर्कशीट में ही उसको उसका रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। तो ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग अभी हम लोगों ने यहाँ पे हमारा जो डाटा है उसके लिए हम लोग एग्जिस्टिंग वर्कशीट को ही सीधा, मतलब जो अभी राइट नाउ जिसमें हमारा टेबल है, सोर्स टेबल है, ये मेरा हो गया सोर्स, मतलब जहाँ पे मेरा सोर्स डाटा है, सोर्स मेरा डाटा जहाँ पे है वहीं पे हम लोग रिपोर्ट को जनरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको एग्जिस्टिंग वर्कशीट को सिलेक्ट कर लिया। अभी सवाल ये है एग्जिस्टिंग वर्कशीट में तुम्हारा, मतलब इसी वर्कशीट में तुम्हारा वो रिपोर्ट कहाँ पे जनरेट होगा, तो उसके लिए तुमको एग्जैक्ट सेल नंबर यहाँ पे डिनोट दिखाना होगा। तो सेल कौन सा होगा, सेल मतलब इसे इन सब का बात हो रहा है, तो पहले तुम यहाँ पे क्लिक कर लो। पहले मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया लोकेशन पे, और कौन सा सेल से तुम्हारा सेल से ये तुम्हारा रिपोर्ट जनरेट होगा, कौन सा सेल स्टार्टिंग सेल कौन सा होगा, मतलब ठीक है कौन सा सेल मतलब स्टार्टिंग सेल कौन सा होगा, तो मैं थोड़ा नीचे आ रहा हूँ। और इधर से तुम हल्का सा यहाँ से ऊपर से तुम तीन चार इस तरह से ऊपर से तीन चार रो खाली छोड़ते हुए फिर इसमें क्लिक कर दो, कोई दूसरा एक कोई एक कोई एक किसी एक रो में क्लिक कर दो। जैसे मैंने एक दो तीन छोड़ दिया और यहाँ से मैंने इसको मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक करते इसने वो उठा लिया यहाँ पे, देख सकते हो यहाँ पे ठीक है शीट टू और जे फाइव, मतलब जे फाइव वाला सेल को उसने सिलेक्ट कर लिया, मतलब यहीं से मेरा रिपोर्ट जनरेट होगा। ठीक है, मतलब सिर्फ इसी में नहीं बाकी जो भी होगा वो उधर से सेल को अपने आप से ऐड कर लेगा, तो मतलब ये स्टार्ट पॉइंट होगा सेल का, तो यहाँ पे मेरा रिपोर्ट जनरेट होगा, दैट्स ऑल। अच्छा अभी क्या करना है, अभी कुछ नहीं, बस हम लोग को यहाँ पे ओके कर देना है। तो ओके करते ही तुम देखोगे यहाँ पे, अच्छा ये थोड़ा साइड में आ गया, थोड़ा मैं इसको इधर स्क्रॉल करता हूँ, मैं ये हो गया देखा ना, जहाँ मैंने क्लिक किया था तो वहाँ पे पिवोट टेबल जनरेट हो चुका है। और जन पिवोट टेबल जनरेट, अच्छा इसका भी यूज़ कैसे करना मैं समझा रहा हूँ। तो ये तो पिवोट टेबल जनरेट हो चुका है, अभी यहाँ पे साइड में तुमको एक देखो एक पैनल मिल रहा है, ठीक है एक पैनल मिल रहा है, और इस पैनल में तुमको कुछ वो जो हम लोगों ने यहाँ पे तुम ध्यान देना, यहाँ पे जो हमारा कॉलम हेडिंग था जैसे क्वांटिटी सिटी ये सब जो भी था कॉलम हेडिंग इस तरह से मंथ रीजन स्टेट, इन सभी को इसने यहाँ पे क्या कर लिया एज ए फील्ड के हिसाब से, देखो चूज फील्ड टू एड टू रिपोर्ट, मतलब इन सभी को यहाँ पे कॉलम हेडिंग को इसने उठा के यहाँ पे एक एक ग्रुप बना दिया, जैसे ऑर्डर आई डी ब्रांड मंथ रीजन स्टेट ठीक है जो कॉलम हेडिंग था उसको लेके इसने एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, मतलब ये मेरा हो गया फील्ड, ये अलग अलग फील्ड बनेगा मेरा, इस हिसाब से मेरा फील्ड जनरेट होगा। तो ठीक है, तो ये हो गया मेरा पिवोट टेबल फील्ड लिस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज पिवोट टेबल फील्ड लिस्ट, और ये हो गया मेरा। अच्छा अगर मैं इसके बाहर इस बॉर्डर लाइन के बाहर कहीं पे क्लिक कर दूं तो तुमको ये लिस्ट नहीं दिखेगा, ये चला जाएगा फील्ड लिस्ट चला गया, देखा ना यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अगर तुम फिर से यहाँ पे इस बॉर्डर लाइन के अंदर क्लिक करोगे तभी तुमको ये लिस्ट दिखेगा, ये देखो। तो ध्यान रखना अगर तुम बाहर कहीं पे क्लिक करते हो तो ये लिस्ट डिसअपीयर हो जाएगा, इसलिए तुमको इस लिस्ट को दिखना है तो यहाँ पे इसके अंदर तुमको क्लिक कहीं भी क्लिक कर दो तुम्हारा वो लिस्ट दिख जाएगा। ठीक है, अच्छा कभी कभी क्या होता है कि तुम्हारा यहाँ पे लिखा हुआ, अच्छा कभी कभी क्या होता है कि तुमने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, और इस बार क्लोज करने के बाद अगर फिर अगर तुम इसके अंदर क्लिक करोगे तो ये तुमको फिर से यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो ये एक इशू हो सकता है कभी कभी कि हमने यहाँ पे बाहर में अंदर में उसको क्लोज करने के बाद अंदर में क्लिक करने के बाद भी ये अपीयर नहीं होता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तुमको ऊपर में देखोगे एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कहाँ पे है ये ऑप्शन, हाँ ये देखो ये हो गया फील्ड लिस्ट। ठीक है, ये फील्ड लिस्ट ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर दो ये फिर से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लोज करने से तुमको अगर फिर से इसको अपीयर कराना है इसके अंदर क्लिक करते हुए तो ये फील्ड लिस्ट को क्लिक कर देना तो ये लिस्ट फिर से यहाँ पे आ जाएगा, दैट्स ऑल। अभी यहाँ पे इस फील्ड लिस्ट में नीचे देखो, ये तो हो गया तुम्हारा पहला सेक्शन, सेकंड सेक्शन में देखो ड्रैग फील्ड्स, मतलब इन सब का बात हो रहा है, ये सब फील्ड हो गया बिटवीन एरियाज बिलो। ठीक है, मतलब ये हो गया अलग अलग एरियाज, और इन एरियाज में तुमको इन खाली एरियाज में इन फील्ड्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है, जैसे रिपोर्ट फिल्टर कॉलम लेवल रो लेवल वैल्यूज, तो हम लोग समझेंगे धीरे धीरे। तो बात ये हो गया कि यहाँ पे मतलब काम क्या करना है, हम लोग को इन फील्ड्स को उठा के यहाँ पे ड्रैग करना है, वो कैसे ड्रैग करना है, किसको ड्रैग करना है, कहाँ पे कौन सा एरिया पे ड्रैग करना है, वो तुमको किस तरह का रिपोर्ट जनरेट करना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, फिलहाल मैं जस्ट एक 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 दो ड्रैग करके दिखा देता हूँ। तो ड्रैग करने के लिए तुमको कुछ नहीं, बस समझ लो मैंने यहाँ पे सिटी, मुझे सिटी ड्रैग करना है, तो मैंने सिटी को यहाँ पे इस तरह से क्लिक करके ला के मैंने जिसमें भी रखना है ये ब्लैंक एरिया में रखे, इसका हर एरिया जितना भी तुम्हारा यहाँ पे ग्रुप्स है
इनका जो ब्लैंक पार्ट है वहां पे लाके इसको छोड़ देना। जैसे मैंने सीटी को रो लेवल में लाके इस तरह से छोड़ दिया, और यहाँ पे छोड़ते ही देखो यहाँ पे तुमको रो लेवल का एक कॉलम हेडिंग मिल गया, और उसमें क्या है जितना भी सिटी है उन सभी सिटीज का तुमको यहाँ पे नेम दिखाई दे रहा है। बस समझ में आ रहा है, जितना भी सिटी है देखो यहाँ पे क्या है सिटी, कभी कभी यहाँ पे मल्टीपल, मेरा जो मेन सोर्स टेबल है ये तो तुम्हारा पिवोट टेबल हो गया, ये हो गया पिवोट टेबल, लेकिन सोर्स टेबल में, सोर्स टेबल में देखो सिटी एक एक सिटी का नेम तुम्हारा मल्टीपल टाइम अपीयर हो रहा है, जैसे यहाँ पे पटना जंक्शन दो बार अपीयर हो रहा है, मुजफ्फरपुर दो बार अपीयर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तुमको मल्टीपल टाइम नहीं, यहाँ पे उसको एक ही बार मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो, मैं यहाँ पे दिखा दूँ, जैसे ये देखो ये मुजफ्फरपुर, ये मुजफ्फरापुर जो भी है, तो यहाँ पे एक बार ही एपीआर होगा, मल्टीपल टाइम एपीआर नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए इसमें तुमको जो टोटल रो काउंट मिलेगा वो कम मिलेगा। यहाँ पे देखो तुम यहाँ पे 74 तक आ रहा है, और टोटल में एक्चुअल में कितना है मेरा रो 100। तो समझ सकते हो कि इसने सिटीज को ग्रुप, मतलब मल्टीपल सिटी को एक ग्रुप में रखा है इसने। तो ये हो गया तुम्हारा ये। अच्छा, इसमें तुम ये जो है इसको तुम ये एक्सपांड एंड कोलैप्स भी कर सकते हो। ये हो गया तुम्हारा एरो बटन, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ से, अच्छा यहाँ पे अब फिलहाल नहीं, बाद में देखूंगा मैं, अभी यहाँ पे नहीं होगा। अच्छा, अभी ये मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, यहाँ से एक्चुअली यहाँ से हम लोग फिल्टर करते हैं, वो बाद में दिखाऊंगा मैं। तो ये मैंने इस तरह से किसी एक फील्ड को इसमें रखा, तो रखते ही क्या हुआ ये दिखा रहा है। अच्छा, अगला स्टेप क्या है, इसको तुम सिटी को रो में ना रखते हुए कॉलम में भी रख सकते हो। मैंने इसको कॉलम में रख दिया, तो ये कॉलम वाइज दिखाएगा अभी, देखो। ठीक है, ये कॉलम लेवल बन गया, ये कॉलम वाइज दिखा रहा है इस तरह से, जितना भी सिटी है वो तुम्हारा कॉलम वाइज दिखा रहा है। तो फिलहाल मैं इसको कॉलम वाइज, तुमको ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा इस तरह से स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो मैं इसको रो वाइज ही इसको प्लेस करता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह से तुम सिटीज को रो वाइज प्लेस कर सकते हो। ठीक है, अभी अगला स्टेप आते हैं हम लोग, अमाउंट, मतलब तुम यहाँ पे देख सकते हो अभी यहाँ पे, कि जैसे समझ लो कि ये बिहार, तो सिटी वाइज मैं क्या है? अच्छा, मैं कौन सा, मैं सिटी वाइज कर रहा हूँ, तो समझ लो कि ये हो गया पटना जंक्शन, तो पटना जंक्शन में टोटल कितना हुआ है? एक टोटल ये एक अमाउंट है, और ये मुझे पता करना है कि पटना जंक्शन में टोटल कितना सेल हुआ। ठीक है, टोटल कितना, ये तो सभी सिर्फ नॉट ओनली पटना, सभी सिटीज में टोटल कितना सेल हुआ, यहाँ पे तो अलग अलग करके दिखा जा रहा है। ठीक है, जैसे नवाडा इसका चार, यहाँ पे तीन बार करके दिखा जा रहा है इसको, तो टोटल कितना सेल हुआ, हर सिटी में टोटल कितना सेल हुआ मुझे वो पता करना है। तो पिवोट टेबल में हम लोग इसको कैसे पता करेंगे, अभी मुझे यहाँ पे कोई फॉर्मूला, कोई एप्लीकेशन, कोई मुझे इस तरह का फॉर्मूला टाइप नहीं करना है, फंक्शन मुझे यहाँ पे ऐड नहीं करना है, बस सिंपली करेंगे इसको हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए। यही है इसका पावर, पिवोट टेबल का एडवांटेज, पावरफुल टूल का ये खूबी है ये। तो कैसे करेंगे, देखो ये सिटी हो गया, मुझे क्या करना है अभी, अमाउंट पता करना है, तो ये अमाउंट वाला फील्ड। अच्छा, इस बार अमाउंट वाला फील्ड को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, अमाउंट वाला फील्ड को हम लोग, ये वैल्यू है ना, तो इसको हम लोग वैल्यूज में रख देंगे, यहाँ पर वैल्यूज में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आके देखो ये एक अलग सा तुम्हारा यहाँ पे कॉलम बन के आया, और टोटल देखो सम ऑफ अमाउंट वैल्यूज में रखने क्या हो रहा है, ये सम ऑफ अमाउंट आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, समझ लो जितना भी सिटीज में, हर सिटीज में टोटल हुआ कितना, वो यहाँ पे तुमको दिखा रहा है। ठीक है, जितना भी सिटीज में टोटल कितना हो रहा है वो तुमको यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स नहीं कर रहे, पटना जंक्शन तुम्हारा एक बार ही आ रहा है देखो, तो टोटल पटना में कितना जंक्शन में कितना हुआ, इतना हुआ। ठीक है, तो ये तुम्हारा टोटल यहाँ पे साम करके दिखा रहा है। तो तुमको यहाँ पे कोई फॉर्मूला मैन्युअली टाइप नहीं करना है, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करते ये तुमको फीचर यहाँ पे मिल रहा है। क्लियर है बात? उस तरह से अभी तुमको समझ लो कि पता करना है कि ये तो हो गया सिटी वाइज। ठीक है, ये हो गया क्या, सिटी वाइज। से फॉर एग्जाम्पल तुमको स्टेट वाइज पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, अभी ये स्टेट हो गया, स्टेट वाइज पता करना है, तो तुम स्टेट वाइज टोटल कितना हुआ, तो स्टेट वाइज, अगर स्टेट को स्टेट वाइज पता करना है तो तुम इसको यहाँ पे इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके, जैसे मैंने इसको इस बार कहाँ पे रखा, कॉलम लेवल में रख दिया। ठीक है, तो अभी देखो ये हो गया, जैसे ये टोटल स्टेट वाइज दिखा रहा है। ठीक है, टोटल तुम्हारा, इसको हम लोग ऐसे भी रख सकते हैं, इसको ऐसे देखो टोटल दिखा रहा है, स्टेट वाइज टोटल कितना हुआ, इसको हम लोग कॉलम पे ना रखते हुए इसको यहाँ पे भी रख सकते हैं हम लोग, इसको उठा के मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ, ऐसे भी तुमको दिखाएगा देखो। तो तुम्हारा ये हो गया, ये स्टेट वाइज दिखा रहा है, समझ में आ रहा है ना बात। ये देखो राजस्थान, मध्य प्रदेश, स्टेट वाइज कितना सेल हो रहा है। अच्छा, पहले मैं इसको सिटी को यहाँ पे उठाता हूँ, मैं यहाँ से स्टेट को मैं रखता हूँ यहाँ पे, और सिटी को मैंने कहाँ रख दिया, कॉलम में रख दिया। अभी तुम ध्यान दो, जैसे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में क्या क्या सिटी है, जैसे ये है, ये है, ये। ठीक है, तो टोटल आंध्र प्रदेश में कितना हुआ,
टोटल आंध्र प्रदेश में कितना हुआ तुमको यहाँ पे दिखाएगा लास्ट में, ये होगा ग्रांड टोटल। और आंध्र प्रदेश के अंदर जितना भी सिटीज है वो सिटीज का यहाँ पे उन सिटीज में टोटल कितना हुआ वो यहाँ पे दिखा रहा है, क्लियर ना बात। तो तुम जैसे इसको रखोगे, तुम जैसे इसको अरेंज करके उसी हिसाब से ये दिखाएगा, ठीक है। तुम जैसे इसको अरेंज करोगे वो उसी हिसाब से इसको शाम करके दिखाएगा, मतलब अभी क्या हो रहा है स्टेट वाइज टोटल दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ से इस सिटी को हटा दूँ तो ये टोटल यहाँ पे क्या दिखा रहा है अभी स्टेट वाइज, और स्टेट के अंदर सिटी वाइज टोटल कितना हो रहा है वो भी तुमको चाहिए तो उसको तुम इस तरह से उठा के रख दो। क्वांटिटी कितना हो रहा है टोटल स्टेट वाइज तो तुम यहाँ पे क्वांटिटी को उठा के यहाँ पे रख दो वैल्यूज के हिसाब से। तो टोटल आंध्र प्रदेश में इतना क्वांटिटी हुआ और इतना क्वांटिटी में टोटल इतना हुआ सेल, ठीक है। बस समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पिवट टेबल के मदद से इस तरह से तुम क्विकली इजीली चीजों को समराइज कर सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो, सम निकाल सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो, बहुत सारा चीजें यहाँ पे इस तरह से कर सकते हो। क्लियर हो गया बात? तो एक बार ये करके देख लो खुद एक बार, इसके बाद मैं बाकी दिखा रहा हूँ। इसके लिए तुम्हारे पास डाटा होना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अभी हम लोग, तो एक तरह से हम लोग पिवट तो समझ में आ चुका है, ठीक है, वो प्रैक्टिस भी कर लेना बाकी सब। नेक्स्ट हो गया, आज और एक चीज दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को। जैसे सेकंड हो गया, एक तो हो गया पिवट टेबल, अभी हो गया पिवट चार्ट, ठीक है। तो पिवट टेबल में तुम्हारा टेबल फॉर्म टेबल के फॉर्म में आएगा, और अगर चार्ट बनाएंगे तो वो एक तुम्हारा अलग अलग ग्राफिक्स के फॉर्म में आएगा। मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग अपना जैसे पहले किया था उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करना है यहाँ पे। जैसे मैंने अपना डाटा को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, मैंने अपना जो पूरा डाटा है उसको सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, सेकेंड स्टेप क्या है, सिलेक्ट करने के बाद अभी हमको यहाँ पे देखो चार्ट अप्लाई करना है इस बार, नॉट ओनली टेबल। अच्छा, जब हम लोग चार्ट अप्लाई करेंगे ना तो चार्ट के साथ टेबल भी बनता है, दोनों ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिर जाएंगे इंसर्ट में, और इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पे देखो ऊपर में तुमको ऑप्शन मिलेगा। अच्छा, ये तो मैंने पुराना वर्जन यूज कर रहा हूँ, नया वर्जन में तुमको कहीं आई थिंक इधर साइड में कहीं मिलेगा, और यहाँ पे मेरे ख्याल से ये नीचे होगा। हाँ, ये पिवट चार्ट, ठीक है, तुमको साइड में कहीं मिल जाएगा, देखना ऊपर में मिला ऑप्शन। हाँ, तो पहले देख लो एक बार, उसके बाद तो यहाँ पे ये मेरा यहाँ पे नीचे आ रहा है ये पिवट चार्ट, ठीक है। तो जब मैं अच्छा पिवट चार्ट में क्लिक करता हूँ, टेबल तो हम लोग समझ लिया, अभी चार्ट में जाएंगे हम लोग। तो चार्ट में फिर से वही ऑप्शन आ रहा है, वही ऑप्शन जैसे सिलेक्ट टेबल, तो मैंने इसी टेबल को मुझे यही मेरा सोर्स टेबल होगा। और इस बार हम लोग क्या करते हैं, चलो इस बार हम लोग न्यू वर्कशीट को सिलेक्ट कर लेते हैं, कि इस बार एग्जिस्टिंग नहीं, एग्जिस्टिंग मतलब जहाँ पे मेरा सोर्स है वहीं पे हो जाएगा। तो न्यू मतलब नया सा वर्कशीट में जाके मेरा रिपोर्ट जनरेट होगा, ठीक है, ये अपने आप से हो जाएगा। तो इसको मैं ओके करता हूँ, बस न्यू वर्कशीट करना है और इसको तुम ओके कर देना है। ओके करते ही देखो ये अलग सा, ये शीट नंबर 4 में आ चुका है, ये अलग सा शीट में आ चुका है, और यहाँ पे देखो ये पिवट टेबल और ये पिवट चार्ट। अभी कुछ डाटा यहाँ पे नहीं आ रहा है, हम लोग जब यहाँ पे फील्ड लिस्ट वाला पैनल में जाके इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे तभी डाटा आना शुरू हो जाएगा। तो बात तो ये हो गया, यहाँ पे दो चीज आएगा, अभी पिवट टेबल भी आएगा और चार्ट भी आएगा, ठीक है। तो वही जैसे पहले हम लोगों ने किया था, पहले क्या किया था, जैसे हम लोगों ने यहाँ से फील्ड को उठा के कहीं ना कहीं किसी एरिया में उसको असाइन किया था। तो जैसे इस बार फिर से मैं करता हूँ, जैसे मैं ये स्टेट वाइज मुझे पता करना है, तो मुझे स्टेट को मैंने सिलेक्ट करते हुए मैंने इसको कहाँ पे रखा था, स्टेट को मैंने रख दिया, यहाँ से उठा के स्टेट को सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे क्लिक करने से आ जाएगा अपने आप से, ठीक है। तो ये तुम्हारा यहाँ पे स्टेट आ चुका है, ओके, तुम यहाँ पे क्लिक करके भी ला सकते हो इसे। अच्छा, तो यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, बात ये है। अच्छा, यहाँ पे अभी शो हो जाएगा, यहाँ पे शो होने के लिए सबसे पहले देखो, पहले बात तो यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा क्या दिख रहा है, मतलब वो जो रो लेवल से स्टेट का रो लेवल दिख रहा है हमको, लेकिन यहाँ पे तुमको वो जो चार्ट दिख नहीं रहा है, क्योंकि मुझे बस स्टेट तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन स्टेट वाइज क्या चाहिए, मुझे सेल्स चाहिए, अमाउंट चाहिए, जो भी चाहिए तो उसको सिलेक्ट करो। तो इस बार मैंने फिलहाल यहाँ पे अमाउंट सिलेक्ट कर दिया, जो कि अपने आप से वैल्यूज में आ जाएगा। यहाँ पे देखो सम ऑफ अमाउंट में आ रहा है, वैल्यूज में आ रहा है, और ये देखो वहाँ पे सिलेक्ट करते ही ये तुम्हारा एक ग्राफ बन के रेडी हो चुका है यहाँ पे। सो स्टेट वाइज हर स्टेट में, अभी ग्राफ में तुमको समझना बहुत सारा चीजें, हम लोग ग्राफ में भी उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें समझना थोड़ा आसान होता है ना। तो यहाँ पे वैल्यूज में थोड़ा दिक्कत होता है कि कौन सा कितना ज्यादा हुआ, कितना कम हुआ। तो ग्राफ में समझ में आ रहा है कि बिहार स्टेट में सबसे ज्यादा सेल हुआ, ये ग्राफ में हमको एक आइडिया मिल रहा है ना कौन सा स्टेट में सबसे कम सेल हुआ। नहीं तो नंबर में क्या होता है, नंबर में पता कर सकते हैं लेकिन थोड़ा टाइम लगता है उसको समझने में। तो यहाँ पे ग्राफ में इजिली समझ में आ रहा है कि सबसे कम सेल हुआ तुम्हारा कर्नाटका में। तो इस तरह से हम लोग इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे उसका फिगर भी दिखा रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे सेकंड बात जैसे पहले किया था हम लोगों ने उसी तरह तुम हर फील्ड को इस तरह से अलग अलग जगह पे लाके उसका तुम इस तरह से ग्राफ को देखते हुए तुम उसको एनालाइज रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। फिलहाल मैं जस्ट इन ग्राफ्स को कैसे मॉडिफाई करना है इसका अलग अलग डिजाइन भी होता है, मैं वो भी दिखा दूं पहले, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे बहुत सारा डिजाइन बना हुआ है, ये देखो ऊपर में बहुत सारा डिजाइन है। अगर तुमको ग्राफ इस कलर में चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करो, अगर ये कलर में चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करो, इस तरह से कलर वाइज तुम इसको ग्राफ को अलग अलग कलर में दिखा सकते हो। पहला बात तो ये हो गया अलग अलग उसका ग्राफ कलर, ठीक है। उसके बाद चार्ट लेआउट,
चार्ट लेआउट। अच्छा अभी कौन सा लेआउट में तुमको चाहिए, ये जो चार्ट बना है यहाँ पे, ये ग्राफ जो चाहिए तुमको कौन सा लेआउट में चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पे तुम यहाँ पे देखो अलग अलग तीन लेआउट है मेरे यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इस तरह से फॉर्म में आ रहा है, यहाँ पे क्लिक किया तो इस फॉर्म में आ रहा है, तो ये अलग अलग लेआउट से, बात एक ही है रिपोर्ट तो वही आएगा लेकिन लेआउट इसका अलग अलग होगा। ठीक हो गया बात। देखो यहाँ पे दो चीज, यहाँ पे पिवोट टेबल भी आएगा और साथ साथ क्या आएगा, चार्ट भी आएगा तुम्हारा। ठीक है, पिवोट चार्ट भी आएगा। अच्छा सेकेंड बात क्या हो गया, अभी यहाँ पे ये जो चार्ट मैंने यहाँ पे दिखाया, ये चार्ट का टाइप मुझे चेंज करना है, मुझे इस टाइप में चार्ट नहीं दिखाना है, कुछ समझ लो राउंड टाइप में, या तो मुझे स्क्वायर टाइप में, बॉक्स टाइप में, ठीक है, अलग अलग टाइप होता है यहाँ पे, तो उन अलग अलग टाइप जो भी तुमको चाहिए तुम उनमें से किसी को तुमको टाइप में दिखाना है, फिलहाल तो डिफॉल्ट में ये टाइप में आ रहा है, तो टाइप को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो चेंज चार्ट टाइप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करते ही एक यहाँ पे अलग सा विंडो ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे देखो ये अलग अलग टाइप है, ये लाइन टाइप में हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा बार टाइप में आ रहा है, ये तुम्हारा एरिया टाइप में आ रहा है, तो मुझे चाहिए समझ लो पाई टाइप में, तो मैं पाई में क्लिक करता हूँ तो ये पाई टाइप होगा। ठीक है, तो इसमें मैं इसको ओके करता हूँ, सिलेक्ट करते हैं, इसका पाई का भी बहुत सारा अलग अलग ऑप्शन है, तुम जैसे तुम जो तुमको चाहिए यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, मैंने ये वाला ऑप्शन ले लिया, इसको ओके कर दिया, तो देखो ये तुम्हारा इस तरह से पाई फॉर्म में आ रहा है, और इसका भी तुम्हारा अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन है, तुम इसको सिलेक्ट करते हो तो ये कलर कॉम्बिनेशन, ये कलर कॉम्बिनेशन, फिलहाल मैं मल्टीपल कलर वाला जो है उसको समझने में थोड़ा आसान होगा, तो मैंने ये वाला कलर यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो ये इसका अलग अलग तुम्हारा कलर कॉम्बिनेशन है। अच्छा यहाँ पे इसका भी तुम जो लेआउट है तुम्हारा, इसका लेआउट तुम मॉडिफाई कर सकते हो कैसे, यहाँ पे देखो चार्ट लेआउट है पाई चार्ट का, जैसे ये तुम्हारा इस तरह से क्या आ रहा है, यहाँ पे अगर क्लिक करो तो कुछ इस तरह का लेआउट में आ रहा है, ये तो देख लेना, यहाँ पे अगर क्लिक करो तो कुछ इस तरह का लेआउट में आ रहा है, अगर यहाँ पे क्लिक करो कुछ अलग सा लेआउट में आ रहा है, यू कैन सी हियर। ठीक है, और यहाँ पे और भी बहुत सारा लेआउट है, जैसे अगर तुम नीचे जाओगे तो तुम देखोगे ये कुछ इस तरह का, ये परसेंटेज का लेआउट में फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, सभी अलग अलग लेआउट से, इन सभी में से जो भी तुमको लेआउट शूट करता हो उसको तुम यहाँ से ले सकते हो, ये अलग अलग यहाँ पे लेआउट से। ठीक है, तो अलग अलग लेआउट में इसको तुम इसको दिखा सकते हो, समझ में आ रहा है बात, क्लियर हो गया? तो ये हो गया इस तरह से हम लोग जैसे पिवोट टेबल, बाकी तो खुद भी ये सब बाकी एक बार करके देख लेना, तो जैसे हम लोगों ने पिवोट टेबल जनरेट किया था उस तरह से हम लोग यहाँ पे पिवोट चार्ट भी जनरेट कर सकते हैं, और इसका लेआउट डिजाइन ये सब यहाँ से हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक हो गया बात, तो फिलहाल आज इतना से रहने